हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर, और मैं आपको आज नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि 2021 आने वाला है और 2020 हमारे जीवन में कुछ कड़वाहट सा घोल गया है जो हम शायद जब तक जिंदा रहेंगे कभी भी इस वर्ष को भूल नहीं पाएंगे। कुछ कड़वी यादें, कुछ अनुभव और बहुत कुछ हमें 2020 सिखा के गया। तो आज हम चाहेंगे कि हम पहले नए साल का स्वागत कैसे करें। नया वर्ष है, नई उमंगे, नई तरंगे दिल में हैं, फिर से जीने के लिए हम सब दोबारा चल पड़े। अब ये एक छोटे से शब्द है कि नए साल में हमें नई तरंगों के साथ, नई उमंगों के साथ अपने जीवन में आगे की ओर चलना है, और पुराने साल में हमने जितनी भी कड़वाहट अपने जीवन में झेली हो उसको हमें आज भूल जाना है और अपने नए वर्ष में नए कार्यों को पूरा करना है। जो 2020 जो मुझे लगता है COVID-19 हमें कुछ चीज़ें हमको सिखा के गया। पहली चीज़ हमको सिखा के गया कि हमें हमारे अपने हमेशा हमारे साथ हैं और वही हमारे सबसे पहले वेलविशर हैं। हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारा परिवार हमेशा हमारे मुश्किलों में साथ देता है और वो हमेशा साथ देता आया है और उनका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें केवल भोजन उतना ले थाली में जितना ना जाए नाली में, इस कहावत को भी 2020 हमको सिखा के गया कि हम उतना ही थाली में लें जितना नाली में ना जाए। खाने की एक एक गिराई की इम्पॉर्टेंट हम 2020 में देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब लॉकडाउन लगा तो भोजन से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम नहीं याद आया कि हमको खाने को मिल जाए अच्छे से, वो हमें सबसे पहली प्रायोरिटी रही। और ये साल हमको ये भी सिखा के गया कि बचत कितनी काम आती है। हम पैसे फजूल में खर्च कर रहे हैं, हम फजूली में खर्च कर रहे हैं, और वो आज अगर हमने बचत ना की होती तो 2020 में हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, ये हमको 2020 सिखा के गया। बहुत सारे हमारे अपने बिछड़ गए, कुछ COVID-19 की वजह से बिछड़ गए, कुछ और समस्याओं की वजह से बिछड़ गए, तो उनके जाने का हमें ताउम्र गम रहेगा। और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश में, विदेशों से, सब जगह से, हम चारों तरफ से आपदाओं से घिरे रहे, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि हम हिंदुस्तानी हर एक समस्या का समाधान जानते हैं और हम उस समय से निकलकर अब नए समय की ओर आ रहे हैं। तो आज हमें ये संकल्प लेना है 2021 में कि इस वर्ष हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो हमने 2020 में की। हम अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहेंगे, अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, सभी तरीके की अपनी परेशानियों को भूलकर केवल और केवल सकारात्मक सोच रखेंगे, क्योंकि जब तक हम निगेटिव सोच को नहीं त्यागेंगे पॉजिटिव चीजें हमारे पास आसपास नहीं आएंगी। हम बड़ों का सम्मान करेंगे, हम भोजन का सम्मान करेंगे, हम बचत को अपनी आदत में शामिल करेंगे, हम अपने लक्ष्य के प्रति लगातार लगातार चलते रहेंगे जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। और हम अपने कार्य के प्रति हमेशा उस कार्य के प्रति, जिस कार्य के लिए हमने शुरुआत की है उस कार्य को तब तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक वो पूरा ना हो जाए। जो भी आपका एम हो, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, अपने एम को जब तक आपका एम पूरा ना हो आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है और थकना नहीं है। तो नए संकल्प के साथ हम नए साल का स्वागत करेंगे और नई उमंगे मन में लेकर चलेंगे। तो आज पुरानी कड़वी यादों को भूलकर अच्छी यादों के साथ हम फिर से आगे बढ़ेंगे, और हमें याद रखना है कि हमें 2020 में हमारे जो अधूरे काम थे उन कामों को 2021 में पूरा करना है। अगर हमने कोई गलत आदत या बुरी आदत अपनाई हुई है तो उस आदत का संकल्प लेंगे कि हम उस आदत को छोड़ देंगे, और हम 2021 में संकल्प लेंगे कि हम उन कामों को करेंगे जिससे दूसरे को खुशी मिलती हो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से चलते रहेंगे और तब तक चलते रहेंगे कि जब तक हम अपने लक्ष्य पे ना पहुंच जाए। तो हार को जीत में बदलना है और हमेशा अपने पथ पर, कर्तव्य पथ पर चलते रहना है। मैं आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नए साल का स्वागत करते हैं 2021 का, और मैं चाहूंगी कि मेरे सभी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जो लोग नहीं देख रहे, सभी के लिए, हमारे सभी देशवासियों के लिए शुभकामनाएं नए साल की, और ईश्वर करे आप सबकी जिंदगी में खुशियां आए और आप सब लोग खुशहाल रहें। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,
नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपने विचारों के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगी। थैंक यू।